लिए बुद्धि आना ये भागवत कृपा का परिणाम। स्वयं श्री राम जी महाराज आज अपने हाथों से सेवा कर रहे हैं। मुनिवर शयन कीन तब जाई लगे चरण चापन दुभाई। आज गुरु की चरणों की सेवा कौन कर रहा है? विशेष बात यह है कौन कर रहा है? जिन चरणों को पाने के लिए योगी जन योग करते हैं, तपस्वी तपस्या करते हैं, साधना करते हैं और उन्हें ध्यान में नहीं ले आ पाते, ते दो बंधु प्रेम जनु जीते गुरु पद कमल पलोटत ही प्रीते। आज वो दोनों भाई गुरुदेव के चरणों को बड़े प्रेम से दबा रहे हैं। क्यों? क्योंकि विश्वामित्र जी का जो प्रेम है वो अद्भुत प्रेम है। अच्छा, राम जी महाराज जी विश्वामित्र जी के गुरुत्व को स्वीकार कर चुके हैं। इसका मतलब है कि भगवान उस भाव को स्वीकार करते हैं जिस भाव से भक्त उन्हें चाहता है। श्री अयोध्या धाम में श्रीपति तिवारी जी नाम के भाव है उनका, पर भगवान को झूठी माला नहीं पहनाना चाहिए। ऐसा भाव हम इसे ठीक नहीं मानते हैं। पंडा पुजारियों ने, वहां की पुजारी जी ने कह दिया कि ऐसे ऐसे संतों ने कहा है। दूसरे दिन श्री श्रीपद तिवारी जी हनुमानगढ़ ऐसे माला तो लिए पर पहने नहीं। बिना पहने ही पुजारी जी को माला दे दी। पुजारी जी, आप मेरे शिष्य को माला पहना दो, मेरे शिष्य को माला पहना दो। पुजारी जी माला जैसे ही पहनाने के लिए पहनाया, पहनाते ही माला टूट करके गिर गई। सोचा कि शायद है धागा छूट गया हो, फिर माले का धागा बांध करके पहनाया, फिर माला टूट करके गिर गई। तीसरी बार फिर पहनाया, तीसरी बार फिर से माला टूट करके गिर गई। तब संतों ने कहा, तिवारी जी आपके भाव को ठाकुर जी ने स्वीकार कर लिया है, इसलिए आप कृपा करके पहन लीजिए और पहन करके तब अपनी झूठी माला ठाकुर को पहनाइए।